गो। लैब अब क्या कर रही हो? 1 2 लिखो कॉपी पे। कूनी लिखोगी? चल जी से लिखो, मैं अंदर मामा के पास जाता हूँ। करो। यहाँ पे हमारा सुबह का हो रहा है नाश्ता, रोज़ाना का जैसे आपके साथ हम शेयर करते हैं। यहाँ पे देखें चाय है बच्चों की और मेरी डबल रोटी, सुबह का हमारा नाश्ता। लाओ मेरा बेटा, लाओ रखो, मामा के हाथ से गिरने लगा था ना। और ये देखें ध्यान से मेरा बेटा। लाइबा, लाइबा देख के बैठ भी गई नाश्ता करने। लाइबा, लाइबा को माशाल्लाह बहुत, हाँ ये लाइबा की डबल रोटी आ गई। लाइबा ऐसे मज़े से खा रही है जैसे लाइबा को तो पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे देखें काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। और यहाँ पे मैंने बोला चले हम अपनी रूटीन भी शुरू करते हैं, थोड़ी सी रूटीन दिखाते हैं। सुबह मैंने नाश्ता बनाया था, उसके बाद फिर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो गर्मी के साथ साथ आपको पता है लाइट भी बहुत तंग करती है, लाइट भी चली जाती है, फिर उसके बाद तो बिल्कुल आपको पता है गर्मी हो जाती है। और अब ऐसा ऐसा करके जैसे दोपहर हो रही है ना, तो मौसम भी अच्छा हो रहा है। धूप तो चली गई है लेकिन हवा अच्छी चलना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे सुबह तो बना लिया था नाश्ता जी, अभी दोपहर हो रही है तो मैंने बोला चले आपके साथ अभी रूटीन शुरू करती हूँ। बच्चे घर में होते हैं तो रूटीन बिल्कुल शुरू नहीं होती है। देखें कितनी अच्छी हवा चल रही है और पत्ते ही रेस ने दरवाजे में आकर खड़ी हो गई हूँ कि यहाँ पर हवा भी अच्छी आ रही है और थोड़ी सी बातें भी हो जाएंगी आपके साथ, तो यहाँ पे ज़रा अच्छा भी लगता है। पीछे देखें अंधेरा आपको नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल लाइट नहीं, अंदर अंधेरा हो रहा है, तो जिसकी वजह से ना मैं यहाँ पे आके खड़ी हो गई हूँ। और यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और मौसम भी बहुत, यानी कराची का मौसम बहुत अच्छा है, कराची का ठंडा हवा है, तो यहाँ पे इसलिए दरवाज़े में अच्छा भी लगता है, दरवाज़े खुले होते हैं। तो बस ये था, और उसके अलावा ये था कि मैं जैसे हवा देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि जैसे अभी मुझे पंजाब का प्रोग्राम बन रहा है, जैसे हम पंजाब जाएँगे तो जैसे यहाँ कितनी ठंडी हवा है, तो वहाँ पे तो फिर हम देखेंगे वहाँ पे हवा नहीं चलेगी। तो यानी यहाँ की हवा यानी चलती है, वहाँ पे तो हवा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल पंजाब है, अपने पंजाब तो जाना है। पंजाब से हम आए हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारा घर है, वहाँ पे तो जाना तो है ना हमने। तो बस इंशाल्लाह बहुत जल्द पंजाब भी जाएँगे, आपको दिखाएँगे। तो बस शाम की रूटीन है, मैंने बोला चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। लाइट गई है, बच्चे क्या कर रहे हैं फिर वो भी दिखाती हूँ, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बस चले शुरू करते हैं अपनी रूटीन। तो चले आप हमारे साथ ही रहिएगा, बच्चे क्या कर रहे हैं पहले वो दिखाती हूँ। लाइट भी इधर आ गई है और बच्चे उधर चले गए हैं फ़ौरन, और जैसे लाइट आई है ना बच्चे उधर चले गए हैं कि मम्मा लाइट आई है, हम उस कमरे में जा रहे हैं। तो ये वाली लाइट मैंने जला दी है, बाहर अंधेरा होता है। बच्चे यहाँ पे देखे आराम से बैठे हूँ मैं, टीवी की आवाज़ अभी इन्होंने बहुत तेज़ की हुई थी और मैंने हल्की आवाज़ करवाई है क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं ये। जी क्या हो रहा है लाइबा? और लाइबा देखे कागज नीचे फेंक रही, इधर फेंक रही। लाइबा क्या कर रही है? गंदी बच्ची क्या कर रही है? सलाम करो, सलाम करो, बोलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे हैं आप? हमारी मामा के चैनल को देखिए, लाइक करो, आप भी करो सलाम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप कैसे आई हो कि आप सब ठीक हो गए? हमारी मामा के चैनल को देखिए, लाइक करो, शेयर करो। और लाइबा तो बस अपनी मस्ती में लगी है, लाइबा कहने कापी पेंसिल पकड़ी हुई थी और बस अपना खेलने में लगी हुई थी। और आपके लिए मैं क्या बनाऊँ, क्या खाना है आपने? मैगी खानी है, तो मैगी बना दो आप दोनों को, आपने भी मैगी खानी है, आपने भी। और लाइबा कहाँ चली गई? देखो लाइबा उधर भाग गई है। लाइबा कहाँ गई है, कहाँ गई लाइबा? लेके बेड पर बैठो, मामा आ रही है। ओ लाइट चली गई, देखिए एकदम से लाइट भी चली गई, अंधेरा हो गया। नहीं छेड़ो बैंगन, नहीं छेड़ो, पर्दा पीछे कर दो, लाइट चली गई, हवा आए बाहर से, कर दो लाइट दी पीछे कर दो, मामा आ रही है मैगी रख के। आप लाइबा इधर ही बैठो, किचन में नहीं आना, अंधेरा हो रहा है। शुरू जी किचन में मैं आ गई हूँ, लाइट ऑन करो लाइबा। और ये वाली मैंने मैगी ली है, ये वाले मैंने 4 पैकेट ले लिया, आज मैं भी मैगी अपने लिए बना रही हूँ। तो ये 4 मैगी के पैकेट मैंने डाले हैं इसमें, और बस अभी मैंने 4 पैकेट बना रही हूँ मैंने आज। वैसे कभी मैंने, मेरा दिल तो नहीं करता खाने का, मतलब बच्चों की है तो आज मैं भी खा रही हूँ, और मैंने बोला चले मैं भी खा लेती हूँ आज बच्चों के साथ, मैं भी आज बच्ची देखे बन रही हूँ। तो बस बच्चों के लिए मैगी बना रही हूँ, लाइट भी चली गई है हमारी, और उसमें मसाले भी मैंने डाल दिए हैं, 2 मैंने लिए हैं 4 पैकेट, तो बाकी 4 पैकेट मैंने लिए, एक मैं अपने लिए भी बना रही हूँ, लाइट भी चली गई है हमारी।
तो बस यहाँ पे देखिए मैंने मैगी मैंने रखती है। सुफियान आप इधर आ जाओ मेरा बेटा, मैं लाइट ऑन कर देती हूँ, आपको थोड़ा मैं डाल देती हूँ। लाइबा देखे, लाइबा की चीखों की आवाज़ें आ रही, मैं इसकी लाइट ऑन कर रही हूँ, मैं डालने लगी और आपने मोबाइल पकड़ो। हाँ बस बन गया, मैं लाइबा को डाल के दे रही हूँ। लाइट आ गई, अभी गई और अभी आ गई। हाँ अभी गई है ना, अभी कोई 5-10 मिनट ही हुए लाइट आ गई। ये लो लाइबा की, ले जाओ अंदर। लाइबा कहती है मैं अंदर जाऊँ ना, मैं बस किचन में ही रहूँ मम्मा के साथ। वो वापस आ जाएगी, नहीं आती। ये देखे मैंने डोई ले लिया इतनी बड़ी, इसमें मेरा बड़ा चम्मच रखो, ये लाइबा को दो। ये तो यहाँ पे ये मैंने अपनी डाल दी और बच्चों को मैंने दे दिया, उनमें मसाला कम था और इसमें ज़रा मैंने अपने लिए थोड़ा सा डाल दिया मसाला। कुछ मैगी भी खा लेते हैं। क्या कर रही हो मेरी बेबी? मम्मा की जान, तो लाइबा को भी डाल दो केचप। जी मम्मा की जान, ये बैगी है। चलो सब ने देखे, मैं केचप डाल लिए, मम्मा ने भी। मम्मा वो केचप दो थोड़ी सी, मम्मा भी डाल लें। अच्छी लग रही हो लाइबा के, मैंने अभी पोनी की थी और लाइबा ने पोनी भी अपनी निकाल दी है। देखिए इसके ऊपर पोनी, इसने पता नहीं कहाँ फेंक किया, बेड के ऊपर कहाँ फेंकी इसकी पोनी। कहाँ रखी बहन की पोनी? चलो खा लो फिर बाद में कर। बाहर आओ जल्दी से, क्या कर रहे हो आप इधर? सारी चीज़ें रखी हैं, वो ला के इधर रखो, मैं लाइबा को ला के ला रही हूँ। लाइबा आओ, आपको नहीं कराऊँ, आओ नहीं करा दो पहले। मामा ने आपको तेल लगाया था ना सर में, आ जाओ। देखे फिर अंदर भाग गई है, जैसे ही मामा नहीं कराने लगी अंदर भाग गई है। चले जी लाइबा को भी ना ला दिया, अभी लाइबा को कपड़े बनाती हूँ। लाइबा आज ना मैंने तेल लगाया था, नहीं हो रही है। अभी मैंने कूलर लगा तो दिया, अम्मी कांचे हो रही है। आपको मच्छर कात रहा है? मच्छर कात रहा है, देखे कपड़े भी पहन लिए, कूलर भी लगा दिया। पहले कूलर मैंने बंद किया हुआ था तो कह रही थी गर्मी हो रही, अभी मैंने गर्मी देखे, अभी नाइनिंग की है ना, अभी सुकून हो गया लैबा को। अभी देखे बाल भी लैबा के, देखो ये कौन सी आ गई, गई केटो, देखे आ गई घर में और माँ मुझे बता रही है मम्मा केटो आ गई। जी केटो आ गई, खाना मांग रही है, ये खाना मांग रही है। उसको बोलो आओ बाहर खाना दे, उसको बोलो खाना दे, लाओ उसको। खुशबू आ गई यहाँ पे, देखे बिरयानी खा रहे हैं ना, तो फ़ौरन ये ऐसी है कि खाने की ऐसे स्मेल सूंघ के आती है बिल्ली ना। तो हम मैं बैठी थी, लाइबा को भी मैं खिला रही हूँ और देखे बिरयानी की इसने स्मेल। वो भागी भाग गई। आ जाओ इधर, भाग गई है अब, वो उस दरवाजे से निकल गई होगी। आप आ जाओ इधर, निकल गई है वो उधर से। लाइबा आ जाओ, वो बाहर चली गई होगी, आ जाओ। तू आपने भगा दी, आ जाओ। वो बाहर, वो देखो ऊपर छत पे चली गई है, वो देखो सामने दरख्त पे चढ़ गई। जो आप नहीं पा जाना, ये पीछे जा रही है उसके पीछे। इसने देखा ना खाना हम खा रहे थे, असल में बिरयानी आई थी बाहर से, किसी ने न्याज दिलाई है, मैंने लाइबा को खिलाई है और फौरन ना बस वो ना खुशबू सूंघ के ना आ गई है बिरयानी लिए, फौरन भाग के आती। आ जाओ लाइबा, किसको देख रही हो? बाहर क्या देख रही हो? बाहर देखे रात भी हो गई है और मौसम देखे कैसा हो रहा है बाहर। अभी हम यहाँ पे बैठ जाए ना तो इतनी माशाल्लाह ठंडी हवा आएगी और अभी हम थोड़ी देर बाद यहाँ पे बैठ जाएंगे। और कभी तो रात के टाइम ना लाइट भी जाती है, जैसे रात के 1-2 बजे लाइट जाती है, तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, हवा काफ़ी अच्छी आ रही है। लाइबा आ जाओ इधर, और लाइबा बाहर आ गई है देखे। और लाइबा ने बिल्ली की जान बिल्कुल नहीं छोड़ी थी, पहले भी ना वो बिल्ली पहले आई है फिर यहाँ, अच्छा इस दरवाजे से निकलती है उस दरवाजे से अंदर आती है। लाइबा आ जाओ। चले जी बताइएगा कि आपको मेरी रूटीन थोड़ी सी कैसी लगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके आपको रूटीन में शेयर कर रही हूँ। और बस ऐसे ही दिन गुजर रहे हैं, आपको पता है सारा दिन ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं, लाइट भी नहीं होती, बिजली भी काफ़ी जाती है और ना आप देखे शाम भी थोड़ी हो रही है, बल्कि हो गई है शाम तो हो गई है। और लाइबा भी देखे अपनी, वो पहले बिल्ली के साथ लगी रही थी, मस्तियों में लगी रही। तो बस ऐसे ये मेरी रूटीन थी जो आपके साथ मैंने शेयर की थोड़ी बहुत। तो बस दुआ करिएगा वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर शेयर करना और नेक्स्ट रूटीन फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।